नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। गरीबों के लिए एक बार फिर मुफ्त राशन का ऐलान, जून तक मिलेगा 5 किलो अतिरिक्त अनाज। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न मुफ्त में देगी। इससे 80 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 26,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च होंगे। यह मुफ्त में 5 किलो अनाज राशन कार्ड पर रहने वाले अनाज के कोटे के अतिरिक्त रहेगा। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम वैज्ञानिकों का है पूर्व अनुमान। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। राज्य के मौसम वैज्ञानिक के पूर्व अनुमान के मुताबिक शुक्रवार को आसमान साफ रहा, लेकिन अगले 24 घंटे में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम में करवट लेने से तापमान में गिरावट आएगी। 24 से 25 अप्रैल को आसमान में बादल रहेंगे। इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम में उतार चढ़ाव के बीच लापरवाही नहीं बरतें, अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। झारखंड में शुक्रवार को कोरोना से 63 की मौत, 5,741 नए मामले सामने आए। झारखंड में शुक्रवार को 5,741 नए कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 24 घंटे के भीतर 63 मरीजों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि इस दौरान 3205 मरीज स्वस्थ भी हुए। किस जिले में कितने संक्रमित मिले हैं आइए जानते हैं। बोकारो से 298, चतरा से 96, देवघर से 120, धनबाद से 262, दुमका से 107, पूर्वी सिंहभूम से 810, गढ़वा से 54, गिरिडीह से 92, गोड्डा से 102, गुमला से 174, हजारीबाग से 320, जमताड़ा से 296, खूंटी से 76, कोडरमा से 228, लातेहार से 74, लोहरदगा से 200, पाकुड़ से 16, पलामू से 250, रामगढ़ से 448, रांची से 1364, साहिबगंज से 118, सरायकेला से 95, सिमडेगा से 76, पश्चिमी सिंहभूम से 119 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड के सीएम ने एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक से की बात, पूछा कैसे टूटेगा कोरोना का चैन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व अधीक्षक से बात की, साथ ही सभी का सुझाव भी लिया। इस दौरान महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि लोगों को घर से निकलना बंद करना होगा, तभी चैन टूट सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि एमजीएम में बेडों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दिया गया है, इसके बावजूद भी बेड की कमी पड़ रही है। एमजीएम में पूर्व से कर्मचारी की भारी किल्लत है, इसमें भी अधिकांश डॉक्टर व कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अस्पताल को चलाना अब मुश्किल होने लगा है। अधीक्षक ने कहा कि हमारी कोशिश है कि मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बच सके। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी वृद्धि होने के बाद सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन भी कम पड़ने लगे हैं। खासकर चिकित्सकों, लैब टेक्नीशियन, एनएम तथा स्टाफ नर्स की काफी कमी पड़ गई। इसे देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड ने अल्प अवधि के लिए एनएम तथा स्टाफ नर्स की बहाली का निर्णय लिया है। इसके लिए योग्य अभ्यर्थियों से ईमेल के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को अपने स्तर से भी चिकित्सकों एवं अन्य पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। एनएम के लिए प्रतिमाह 13,000 रुपये तथा स्टाफ नर्स के लिए 16,500 रुपये मानदेय तय किए हैं। नियुक्ति एकेडमिक अंकों यानी कि अनुभव तथा ऑनलाइन साक्षात्कार के आधार पर होगी। इधर स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर कुछ जिलों ने अपने स्तर से भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। 6 राज्यों को जीवन देने वाले झारखंड के मरीजों की थम रही है सांसें, 7 गुना उत्पादन के बावजूद ऑक्सीजन का संकट। 6 राज्यों को ऑक्सीजन देने वाले झारखंड के मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के अभाव में थम रही है। यही नहीं, राज्य में जितनी खपत है उससे लगभग 7 गुना अधिक ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, बावजूद इसके मरीजों में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है। घर से लेकर अस्पताल तक बे ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है। आंकड़े की बात करें तो झारखंड में औसतन प्रतिदिन 525 टन ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, जबकि प्रतिदिन की खपत औसतन 62 से 70 टन की है। अब सवाल यह उठता है कि जब इतना ऑक्सीजन बन रहा है तो फिर दिक्कतें क्यों होती है। औषधि नियंत्रण विभाग के अनुसार निर्माण इकाई में ऑक्सीजन बनने के बाद वह रिफिलिंग यूनिट तक भी पहुँच रहा है, लेकिन वहाँ से मरीजों तक पहुँचने के लिए सिलेंडर की कमी बाधा
बाधा बन रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति तो यह है कि झारखंड अपने लगभग सभी पड़ोसी राज्य जैसे बिहार, बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। साथ ही अब महाराष्ट्र को भी झारखंड से ही ऑक्सीजन देने का करार हुआ है। जल्द ही महाराष्ट्र को भी झारखंड से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। झारखंड में कोरोना पर काबू पाने के लिए सेना की मदद लेगा झारखंड सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने अफसरों से की चर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना के संक्रमण को तेजी से बढ़ रहे मामले को लेकर सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड 19 की वजह से जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसमें सेना राज्य सरकार को सहयोग करे। उन्होंने कहा कि झारखंड में सेना के जो अस्पताल हैं वहाँ सामान्य मरीजों का भी इलाज हो सके, इस दिशा में पहल हो। सेना और जन भागीदारियों से ही कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। झारखंड के मैथिली मंच के पूर्व अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा का निधन, समाज में शोक की लहर। राजधानी रांची में रहने वाले मैथिली समाज के लोगों के लिए गुरुवार को एक और बुरी खबर आई। झारखंड मैथिली मंच के पूर्व अध्यक्ष और न्यू एजी ऑपरेटिव के सचिव रहे रमाकांत मिश्रा का निधन हो गया। मैथिली समाज की ओर से इसे अपनी संस्कृति और भाषा के विकास के लिए बड़ी क्षति करार दिया है। रमाकांत मिश्रा लगभग 38 साल एजी ऑफिस में नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। वह बड़े पैमाने पर मिथिला समाज को एकजुट करने के लिए कार्य कर रहे थे। उनकी मृत्यु होने से पूरा समाज सदमे में है। मंच के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार झा ने कहा कि यह जानकारी मिलने के बाद समाज में इसकी लहर दौड़ गई है। झारखंड में 9वीं से 12वीं तक के 52,289 स्टूडेंट को मिलेगा छात्रवृत्ति। झारखंड में सामान्य वर्ग के 52,289 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति पहली बार दी जा रही है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। 9वीं 10वीं के छात्र छात्राओं को 150 रुपये महीने की दर से 10 महीने के लिए 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं 11वीं से 12वीं के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को 223 रुपये महीने के हिसाब से 10 महीने तक 2300 रुपये दिए जाएंगे। झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान, झारखंड में 7000 टन ऑक्सीजन। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जरूरत पड़ी तो और मंगाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 7000 टन ऑक्सीजन उपलब्ध है और आवश्यकता पड़ी तो और मंगाई जाएगी, लेकिन लोगों को संयम और धैर्य से काम लेना होगा क्योंकि राज्य सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चिकित्सा की हर सुविधा देने को तैयार है और इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जमशेदपुर में उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि निजी अस्पतालों सहित सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। जनरल मरीजों की भी चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि कोविड से जनरल मरीजों पर भी असर पड़ रहा है, इसलिए चिकित्सा सेवा को दो अलग अलग भागों में बांटते हुए काम किया जा रहा है। झारखंड में लॉकडाउन के बाद अब तक नहीं खुले झारखंड के प्राथमिक विद्यालय, बच्चों को मिलेगा 68 दिनों का चावल। कोरोना के कारण झारखंड के प्राथमिक विद्यालय 17 मार्च 2020 से ही बंद है। अब नए साल में भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों को पिछले एक साल से भी अधिक समय यानी कि 17 मार्च 2020 से ही घरों पर ही मध्याह्न भोजन के लिए चावल और कुकिंग कास्ट की राशि दी जा रही है। चूँकि स्कूल बंद है ऐसे में बच्चों को 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च तक चावल देने का आदेश झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने दिया है। कुकिंग कास्ट एवं पूरक पोषाहार की राशि के लिए अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। बताते चलें कि वर्तमान में केवल 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन बन रहा था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब उसे भी बंद कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें भी चावल और कुकिंग कास्ट की राशि दी जाएगी। जनवरी से मार्च तक कुल 68 दिनों का चावल दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 6 किलो 800 ग्राम चावल तथा कक्षा 6 से 8 के लिए 10 किलोग्राम चावल देने का आदेश दिया गया है। झारखंड में कोरोना के मरीजों को एंटीजन या आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना होगा, सिर्फ लक्षणों के आधार पर होगा इनका इलाज। संक्रमण के लक्षण के आधार पर ही अस्पताल उनको भर्ती कर इलाज शुरू करेंगे। राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों को इससे संबंधित दिशा निर्देश दे दिया है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि अब तक जो है कोविड 19 संक्रमितों को उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर ही अस्पतालों में भर्ती किया जाता था। हाल के दिनों में जांच में होने वाले विलंब के चलते यह निर्णय लिया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड वासियों से अपील, कहा नियमों का पालन कर सफल बनाए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने जारी संदेश में कहा कि राज्यवासियों के दृढ़ संकल्प और संवेदनशीलता के साथ ही हम कोरोना के विकट संक्रमण को दूर कर सकते हैं। सभी लोग सुरक्षित रहें, कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को हम कम कर सके, इसके लिए राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू किया गया है। सभी से अपील है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।